मुर्गा कच्चे खाए के लिए तैयार हो गए। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? हेलो दोस्तों, स्वागत बा हमारे वापस से नया वीडियो में। तो कैसन बानी रहुआ, आशा करत आनी ठीक होम। तो आज फिर से हम लोग जैसे कि अहाँ के बतैले रही दो तीन दिन पहले कि हम लोग जो बनाते थे बनबैले चिकन वगैरह मटन वगैरह जो एक एगो रूम है मोटर वाला वही में बनबैले बहुत अच्छा बनै छी। तो अहाँ के फिर से वो दिन एक कढ़ी दिखैले रही, आज चिकन कढ़ी देखायब कितना मस्त बनै छी। अहाँ लगातार ब्लॉग में बनल रहू, साथ साथ मस्ती भी होते। कलाकि वो दिन हम तीन आदमी रहली रहा, आज पांच आदमी हती, थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती होते। लगातार हम ब्लॉग में बनल रहा, तो देखू जैसे कि हमार काम है प्याज काटे के, तो हम प्याज काट दिले हती। हमार तो बस इतने काम रहै छै कि बस प्याज काट देना है, उसको बस छोड़ देना है। बाकी सब जैसे कि भैया हथुन जे काम करै छै, उनकर काम लहसुन अदरक और मिर्ची को पेस्ट बनाना, बस उनकर काम इतना ही है, ये कर देथुन। और आगे काम जे करै छै से अतै तऽ अपन अपन काम करतै। अभी चिकेन न लै है, चिकेन अतै अहाँ के देखायब। ओ दिन तो थोड़ा सा कम देखा पैली, अच्छा से न देखा पैली, लेकिन आज अच्छा से दिखायब रेसिपी पूरा अच्छा से, केना बनै छै, केना कथी सारा होतै, साथ में मस्ती भी होतै। अहाँ ब्लॉग में बनल रह। सबसे पहले हम सब ले लेली खाली कढ़ाई, देख रहल हती अब एकरा गरम होय के इंतजार है। गरम होला के बाद इसमें तेल डालबै, देख सकैले इसमें तेल पड़ गेले है। एक किलो चिकन हम सब बना रहल हती, ओहिमें हम 100 ग्राम तेल डालबै। अहाँ सबके मतलब 100 ग्राम में किलो में कॉमन है कि 1 किलो में 100 ग्राम डालल जाइ छै, हम सब डालैले। आगे देखियौ इसमें मसाला डालबै, देख सकैले खड़ा मसाला है, गरम मसाला खड़ा, इसको इसमें डाल दैले। अब इसमें तेजपत्ता डाल देबै, इसमें अब लाल खड़ा मिर्ची डालबै, हरा मिर्ची अब इसमें डालबै। अब एक थोड़ा पके के लिए छोड़ देबै ताकि थोड़ा सा अच्छा बनते। अब इसमें प्याज ऐड करबै, हम 1 किलो में 600 ग्राम प्याज ऐड कर लिए है, इससे ज़्यादा भी ऐड करैले कि हम लोग मसाला कम यूज करैले, जिससे थोड़ा सा कम मसाला यूज करैले के लिए ग्रेवी के लिए ज़्यादा प्याज यूज कर जाइ छै। तो बस इसमें अब थोड़ा सा प्याज यूज करबै, तो इसमें प्याज रख दिली। अब एक मिलाबै, प्याज ऐड कैला के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देबै ताकि जे प्याज थोड़ा सा जल्दी गल जेतै, तो इसमें नमक ऐड करके एक मिला देबै। अब फिर प्याज के थोड़ा सा गलने के इंतजार करबै, गल जेतै तब फिर हमें चिकन ऐड करबै। अहाँ सब देख सकै छी कि दुगो लड़का आ गेलै, एगो ई बउआ हमर छोटका है, एगो है एने अबू। तो हो ए चलते तो ना होइत रहै ना। कथि कहलिए रे? कथि कहले आ कहन न ना रे भाई, चुके आय अगला बेर बनल रही ना भैया के पानी है। दिक्कत हो रही, देख रहा छी यहाँ की जैसे कि प्याज थोड़ा थोड़ा गल गए, अब एक बाद थोड़ा सा और गल जते, तब ओमे चिकन ऐड करबै। हाँ सर देख लियो प्याज ऐसे एकदम लाल हो गए, थोड़ा सा गल गए, मुर्गा कच्चे खाए के लिए तैयार हो गए, बताबू तो देख सक छी। अब चिकन में मिला जाते, एक मिला देते इसमें जब तक थोड़ा सा ही गल जाते, थोड़ा थोड़ा मतलब कि व्हाइट व्हाइट टाइप के हो जाते, उजला उजला टाइप के, तो इसमें थोड़ा मसाला उसाला मिलाएल जाते। देहाती लड़का सबके रेसिपी है, एकदम मस्त बनते, यहाँ सब देखम तो मजा आ जाए, स्वाद तनका मिलत तनका टेस्ट कर। हाँ सही बोल रहा, धनिया मिलाल जा रहा है, देख रहा छी यहाँ सब। बाद कथी हल्दी, बाद थोड़ा सा मिर्ची, बहुत फिर थोड़ा सा में नमक मिलाल जा रहा है। वो बेर शुरू शुरू में थोड़ा सा गलने के लिए डाला नमक, तो शादी गरम मसाला और चिकन मसाला, अदरक मिर्ची और लहसुन के पेस्ट। अब एक बाद एक मिलाएल जते, भूजल जते, तो अहाँ देखते रह। आ
तो अहाँ सबके वीडियो कैसा लागल, वीडियो अच्छा लागल तो चैनल के सब्सक्राइब करम, नहीं लागल हो तैयो करम। मिलत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हो।